गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। देश के बेस्ट परफॉर्मिंग सीएम बने योगी। सर्वे में जनता ने माना कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं नंबर वन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से कानून व्यवस्था की समीक्षा। कहा, किसान आंदोलन को देखते हुए तैयारियां रखे पूरी, कानून व्यवस्था का करे बेहतर इंतजाम। मंडलायुक्त ने जिला अस्पताल पुरुष एवं जिला अस्पताल महिला में बने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का किया निरीक्षण। वैक्सीनेशन के कार्यों का लिया जायजा। कहा, पूरी सुरक्षा के साथ करे टीकाकरण। गोरखपुर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों का हुआ टीकाकरण। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और सीएमओ ने अलग अलग केंद्रों पर लगवाई वैक्सीन। स्वास्थ्य कर्मियों में रहा खासा उत्साह। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई फोरलेन निर्माण के कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ बैठक। निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को दूर कर कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। असुरन पुखरा स्थित मधुसूदन कॉलोनी के लोगों ने की एसडीएम सदर से मुलाकात। बैठक कर रखी अपनी बात। जमीन के मालिक ने एसडीएम सदर को 24 जनवरी तक भूमि उपलब्ध कराने का दिया आश्वासन। एसडीएम सदर ने कहा, 29 जनवरी तक नहीं मिली भूमि तो होगी कार्रवाई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई चोरी चोरा कांड के शताब्दी वर्ष पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम संबंधित बैठक। सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। जिला स्वास्थ्य समिति के तत्वावधान में गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय में शुरू हुआ कोरोना का वैक्सीनेशन। कई चिकित्सकों सहित स्वास्थ्य कर्मियों ने लगवाया टीका। जिले में कुल 41 बूथों पर 2,904 लोगों का किया गया टीकाकरण। टीकाकरण में 1,014 पुरुष तथा 1,890 महिलाएं रही शामिल। सीएमओ ने कहा, 5 लोगों को आई हल्की दिक्कतें, वही दिया गया ट्रीटमेंट। तत्पश्चात वह सभी पूरी तरह से स्वस्थ होकर गए अपने अपने घर। वैक्सीनेशन का नहीं है कोई दुष्प्रभाव, पूरी तरह है सुरक्षित। गोरखपुर महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने वालों को मंडलायुक्त ने स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। मीडिया के प्रति जताया आभार। कहा, यह सम्मान गोरखपुर की जनता को है समर्पित। समानता, स्वच्छता और स्वावलंबन का संदेश देता है महोत्सव। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण समिति की बैठक। बरसात के पूर्व नावों के मरम्मत और नाविकों को प्रशिक्षण देने के दिए निर्देश। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले मात्र 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,359। अब तक 355 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 123 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। सपाइयों ने छोटे लोहिया जानेश्वर मिश्रा की 11वीं पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, जानेश्वर मिश्र के दिखाए रास्ते पर चलकर उनके सपनों को करेंगे पूरा। निजी स्कूलों को खोले जाने संबंधी मांग को लेकर राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल व मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगे पूरी नहीं होने पर भिक्षाटन की दी चेतावनी। और सुप्रसिद्ध कथा वाचक श्री मुरारी बापू ने किया गुरु गोरक्षनाथ महाराज के दर्शन। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ का भी लिया आशीर्वाद।